हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम जो इंसर्ट के अंदर ये वर्ड आर्ट की ऑप्शन होती है, इसको हम अपने वर्ड के अंदर कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, नाम से ही पता चल रहा है, वर्ड आर्ट यानी कि जो आप वर्ड लिखते हो, टेक्स्ट लिखते हो अपने इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, उसको आप इन अलग अलग आर्ट के अंदर प्रेजेंट कर सकते हो। ये अलग अलग डिज़ाइन है वर्ड आर्ट के, जिनके अंदर आप अपने टेक्स्ट को दिखा सकते हो। अभी तक जितना भी आपने टेक्स्ट लिखा है इस वर्ड के अंदर, वो नॉर्मल टेक्स्ट टाइप किया है, साइज बड़ा कर लिया उसका, बोल्ड कर दिया, लेकिन अगर आप उसको इस तरीके से अट्रैक्टिव दिखाना चाहते हो वर्ड के अंदर, तो आप इसमें से कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट कर लीजिए वर्ड आर्ट के अंदर। जैसे ही आप डिज़ाइन सेलेक्ट करोगे, तो आप देखोगे ये वर्ड आर्ट टेक्स्ट की टूल बार आ जाए, यानी कि ये विंडो आ जाएगी। तो आपने इसके अंदर जो भी वर्ड लिखना है इसमें टाइप कर देना है, जैसे हम लिखना चाहते हैं। इसके अंदर हम लिख देते हैं टैली सॉफ्टवेयर, तो हमने ये नाम लिख दिया टैली सॉफ्टवेयर, इसके अंदर नाम लिख दिया। आप ओके कीजिएगा। जैसे ही ओके करोगे, तो जो डिज़ाइन आपने सेलेक्ट किया था उसका वो डिज़ाइन उस टेक्स्ट को वो दिखाएगा, यानी कि उसको प्रेजेंट करेगा आपके इस पेज के ऊपर दिखाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो अपने पेज के ऊपर ये आपका टेक्स्ट आ गया है। और अगर आप जैसे ही ये टेक्स्ट लेकर आओगे, यानी कि वर्ड आर्ट का यूज़ करोगे, इसकी टूल बार आ जाएगी ऊपर, वर्ड आर्ट टूल बार। तो ये वर्ड आर्ट की टूल बार है, तो आप इस टूल बार के जरिए अपने इस यानी कि वर्ड आर्ट का जो आपने टेक्स्ट लिखा है, इसको आप फॉर्मेट कर सकते हो। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा, आप ध्यान से देखिएगा। जैसे कि आप देख रहे हो, अगर आपको ये वर्ड आर्ट का स्टाइल पसंद नहीं आया, आप यहाँ से वर्ड आर्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हो। जैसे ये देखिए, आप इनमें से ये वर्ड आर्ट का स्टाइल चेंज करना चाहे कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन होती है वर्ड आर्ट की फॉर्मेट टूल बार में। और अगर आप इसके अंदर कलर चेंज करना चाहते हैं, तो इसके अंदर आप फिल कलर जो होता है इसका, यहाँ से ये ऑप्शन होती है फिल कलर, शेप फिल कलर बोलते हैं इसको। यहाँ से आप शेप की इसके कलर को चेंज कर सकते हो। और अगर इसके अंदर पिक्चर फिल करनी है या ग्रेडियंट फिल करना है, तो आप यहाँ से, ये देखिए ग्रेडियंट का मतलब ये डबल कलर इसके अंदर आपका फिल करेगा। अगर आप टेक्सचर फिल करना चाहते हैं, तो इसके अंदर टेक्सचर भी डाल सकते हैं। और अगर आप पैटर्न फिल करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप कोई भी पैटर्न सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से पैटर्न का कलर, फोरग्राउंड कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो, और यहाँ से आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर लीजिए। उसके बाद आप ओके कीजिए, तो आपका वो कलर फिल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये शेप फिल ऑप्शन का यूज करते हैं। और अगर आपने आउटलाइन चेंज करनी है इसकी, आउटलाइन का कलर, यहाँ से ये देखिए आप आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से आप वेट, अगर यानी कि इसकी विड्थ को इंक्रीज करना चाहते हैं आउटलाइन की, यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। और अगर आप इसको डैशेस में देना चाहते हैं, तो इस तरीके से ये डैशेस के अंदर दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। और अगर आप पैटर्न फिल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से यानी कि आउटलाइन का पैटर्न देना चाहते हैं, तो यहाँ से आप आउटलाइन का पैटर्न दे सकते हैं। तो यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, ओके कर दीजिए, तो ये आउटलाइन का पैटर्न दे देगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। और इसी तरीके से अगर आप चाहते हो इसकी शेप को, यानी कि इसको क्या कर सकते हो आप, चेंज वर्ड आर्ट शेप को चेंज करना चाहते हो, जैसे आप देख रहे हो ये आपको एक तरह से यू शेप का दिखाई दे रहा है, अगर आप किसको स्ट्रेट करना चाहते हो, प्लेन बिल्कुल सीधा कर सकते हो, ऐसे शेप देना चाहते हो, यानी कि उल्टा यू बनाना चाहते हो, या इस तरीके से यू शेप देना चाहते हो, या नीचे बहुत सारी अलग अलग शेप की ऑप्शनें हैं, आप इसमें से अपने इस वर्ड आर्ट को कोई भी शेप दे सकते हो। जो भी आपको शेप पसंद आए, आप इसमें से सिलेक्ट करके वो शेप दे सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है कैसे अपने हमने चेंज शेप के जरिए शेप को चेंज करना है। और अगर आप ये जो आपकी वर्ड आर्ट बना हुआ है, इसको शेडो देना चाहते हो, तो आप शेडो इफेक्ट्स के अंदर जाइए, तो आप इसको शेडो दे सकते हो। ये देखिए, अगर आप चाहें तो इसको इस तरीके से शेडो दे सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो आप ऐसे इसको शेडो दे सकते हैं। और अगर आपने शेडो का कलर चेंज करना है, तो नीचे ऑप्शन है, आप यहाँ से शेडो का कलर भी चेंज कर सकते हैं। और अगर आप शेडो को मूव करना चाहते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, तो इस तरीके से आप लेफ्ट राइट टॉप बॉटम शेडो को मूव भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप इस तरीके से शेडो को अगर मूव करना चाहें, लेफ्ट राइट किसी भी डायरेक्शन के अंदर आप शेडो को मूव कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इस अपनी इस
वर्ड आर्ट को 3D इफेक्ट्स देना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको 3D इफेक्ट्स भी दे सकते हो। और अगर आपने डिटेल में ये शेडो के बारे में, 3D इफेक्ट के बारे में जानना है, तो हमने पिक्चर की वीडियो बना रखी है, यानी कि जिसमें हम पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं अपने वर्ड के अंदर, पिक्चर ऑप्शन को कैसे यूज़ करते हैं, उसके अंदर मैंने ये सारी ऑप्शनें डिटेल में बताई हैं। या क्लिप आर्ट की वीडियो दे सकते हो आप, और शेप की वीडियो दे सकते हो, जिसके अंदर मैंने इस 3D इफेक्ट्स के बारे में डिटेल में बताया है। तो फिलहाल इसके अंदर हम यही जानेंगे कि कैसे हम इसको 3D शेप दे सकते हैं। और अगर आप इसकी पोजीशन सेट करना चाहें तो ये पोजीशन की ऑप्शन है, यहाँ से आप इसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं। तो टॉप पे रखना चाहते हो, टॉप लेफ्ट सेंटर में, और टॉप राइट रखना चाहते हो, या फिर आप सेंटर में लेफ्ट साइड, सेंटर सेंटर में रखना चाहते हो, राइट साइड रखना चाहते हो, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर रखना चाहते हो, बॉटम राइट, तो आप ये सेट कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम अपने इस टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आप देखोगे, अगर आपने अपने टेक्स्ट को एडजस्ट करना है दूसरे टेक्स्ट के ऊपर, यानी कि जो नॉर्मल टेक्स्ट हम वर्ड के अंदर लिखते हैं उसके ऊपर अगर आप एडजस्ट करना चाहते हो, तो ये ऑप्शंस भी मैं पहले बता चुका हूँ, क्लिप आर्ट के अंदर देख सकते हो आप जाके, या पिक्चर की जो हमारी वीडियो है जिसमें हमने पिक्चर इंसर्ट करना बताया है वहाँ पे आप देख सकते हो। तो हम यहाँ पे इसकी डिस्कशन नहीं करेंगे, यहाँ से आप इसकी अलाइनमेंट कर सकते हो। अगर आपने दो तीन यानी कि वर्ड आर्ट इंसर्ट किए हुए हैं तो आप उनको अलाइनमेंट देना चाहते हो, लेफ्ट अलाइन, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट, टॉप अलाइन, तो ये भी अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो आप हमारी वीडियो, पिक्चर वीडियो को देख सकते हो। रोटेट करना चाहते हैं आप, यहाँ से आप रोटेट कर सकते हैं इस वर्ड आर्ट को, ठीक है? तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। और यहाँ से आप इसकी हाइट और विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये तो ऑप्शन थी वर्ड आर्ट की कि कैसे हम फॉर्मेट करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये स्टार्टिंग में आते हैं, ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है, इनको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एडिट टेक्स्ट, मान लीजिए आप अपने ये जो आपने वर्ड आर्ट के अंदर लिखा है इसके अंदर कोई टेक्स्ट एडिट करना चाहते हैं, आपने कोई गलती कर दी है इसके अंदर, स्पेलिंग कोई मिस्टेक कर दी है, उसको आप ठीक करना चाहते हैं, तो आपने एडिट टेक्स्ट के अंदर जाना है। तो जैसे ही आप एडिट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आप देखोगे आपकी स्क्रीन के ऊपर ये एडिट टेक्स्ट की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने ये जो लिखा हुआ है टैली सॉफ्टवेयर, तो जो भी आप इसके अंदर चेंजेस करना चाहते हैं या इसके अंदर कुछ ऐड करना चाहते हैं, जैसे ERP हम साथ में लिख देते हैं, तो आप ऐसे टेक्स्ट के अंदर एडिट भी कर सकते हो। तो जो भी आप एडिट करोगे वो आपके ये वर्ड आर्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। और इसकी अगर आप शेप सीधी करना चाहते हैं, यहाँ से हम इसकी एक बार शेप सीधी कर देते हैं। और उसके बाद अगर आप चाहते हो कि आप इनके बीच में गैप डालना चाहते हो, यानी कि ये स्वास्तिक सॉफ्टवेयर देख सकते हो लिखा हुआ है, इनके बीच में यानी कि TA के बीच में, AL के बीच में, इनके करेक्टर के बीच में अगर आपको स्पेस डालनी है तो आपने ये स्पेसिंग ऑप्शन का यूज करना है। अगर आप इसके अंदर लूज ऑप्शन का यूज करोगे तो ये देखिए इनके बीच में गैप आ जाएगा। ये देखिए TA के बीच में और AL के बीच में, YSO के बीच में, इनके बीच में गैप आ जाएगा। और अगर ये गैप आप कम करना चाहते हो तो वेरी टाइट के ऊपर आप क्लिक कीजिए, तो ये आपस में इकट्ठे जुड़ जाएंगे यानी कि टाइट हो जाएंगे। तो आप ऐसे इनको टाइट कर सकते हो, और वेरी टाइट करोगे तो बहुत टाइट हो जाएंगे, अगर टाइट करोगे तो थोड़ा सा कम टाइट होंगे, तो आप ऐसे इनके बीच में स्पेस सेट कर सकते हो। आगे ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा, इवन हाइट। इवन हाइट का मतलब आप देख रहे हो ये टैली के अंदर जो LL है ये थोड़े बड़े हैं, सॉफ्ट के अंदर जो FT है ये थोड़े बड़े हैं। अगर आप चाहते हो ये एक सीध में आ जाए, यानी कि ये ऊपर से भी बराबर हो, नीचे से देखिए Y जो है थोड़ा सा नीचे की तरफ बड़ा है, P जो है नीचे की तरफ बड़ा है, अगर आप इनको एक सिमिट्री में लेके आना चाहते हो तो आपने इस ऑप्शन इवन हाइट के ऊपर क्लिक करना है, तो ये ऊपर से भी बराबर होंगे, नीचे से भी बराबर होंगे। तो अगर आप इसी ऑप्शन पे दोबारा क्लिक कर दोगे तो ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाएंगे। तो यहां से आप इनको एक पोजीशन में लेके आने के लिए इसको बोलते हैं इवन हाइट। इवन हाइट का मतलब जो सभी एक ही सीध के अंदर बराबर है। और अगर आप इनको वर्टिकली फॉर्म में दिखाना चाहते हो, ये जो टेक्स्ट है आप हॉरिजॉन्टल फॉर्म में देख रहे हो, अगर आप इनको वर्टिकल फॉर्म में लेके जाना चाहते हो तो आप ऐसे इनको वर्टिकल फॉर्म में भी अपने टेक्स्ट को दिखा सकते हो। इसी पे दोबारा क्लिक कर दोगे ये वापस हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आ जाएगा, इसी पे क्लिक करोगे ये वर्टिकल फॉर्म में चला जाएगा। तो ऐसे हम ये ऑप्शन का यूज करते हैं। और लास्ट ऑप्शन है ये अलाइनमेंट की। अलाइनमेंट का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हो
कि ये जो आपने टेक्स्ट लिखा है इसके अंदर हम थोड़ा सा टेक्स्ट और ऐड करेंगे, इसको फॉलो करने के लिए यहाँ पे एंटर करके ऐड करते हैं। जैसे हमने लिख दिया 9.0, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं बेस्ट, ठीक है, ओके कर दीजिए। तो आप देखोगे कि जब हमने ये टेक्स्ट लिखा एंटर करके, तो पहली लाइन टैली सॉफ्टवेयर ईआरपी, आगे 9.0 बेस्ट, तो ये अलग अलग लाइनों में आ गया क्योंकि हमने एंटर करके लिखा है। तो आप देख रहे हो ये जो टेक्स्ट आया है ये सेंटर में आया है, यानी टैली सॉफ्टवेयर के सेंटर में है 9.0, और 9 पॉइंट के सेंटर में है बेस्ट। अगर आप इनकी अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हो तो अगर आप चाहें लेफ्ट अलाइनमेंट कर सकते हो इनकी, आप राइट अलाइनमेंट कर सकते हो इनकी, और आप वर्ड जस्टिफाई, वर्ड जस्टिफाई का मतलब ये है कि आपका पूरा टेक्स्ट पूरे लेफ्ट और राइट में बराबर नजर आएगा, और जो आपका बीच में टेक्स्ट लिखा हुआ था वो लेफ्ट राइट और सेंटर में इसने एडजस्ट कर दिया है। इसको बोलते हैं एडजस्ट करना, वर्ड जस्टिफाई करना, और आगे है लेटर जस्टिफाई। इनकी इतनी जरूरत नहीं पड़ती फिलहाल, अभी आप इन तीन ऑप्शन को यूज कीजिए, लेफ्ट और सेंटर और राइट एडजस्टमेंट, आप ऐसे अपने इस वर्ड आर्ट के अंदर टेक्स्ट की कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस वर्ड आर्ट ऑप्शन का यूज करते हैं।